गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो आज के क्लास में हम लोग उस मुकाम पर हैं कि इस पे आए हुए कुछ प्रश्नों की चर्चा करें, क्रिटिकलिटी की चर्चा करें, क्योंकि मूल बात यही होती है कि पढ़ने के बाद आप उस प्रश्नों का हल कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो आज हम लोग मौर्य साम्राज्य पर आए हुए कुछ प्रश्नों को, चुनिंदा प्रश्नों को हम लोग चर्चा करेंगे, देखेंगे कैसे लिखना है। कंटेंट में जो हमने आपको बताया उसी उन्हीं चीज़ों से आंसर को लिखना है, उससे ज़्यादा आपको नहीं लिखना है। तो शुरुआत करते हैं, कुछ प्रश्नों को देखते हैं कि कैसे कैसे होगा। और दो चीज़ें आप लोग, चाहे ऑफलाइन क्लास हो चाहे ऑनलाइन क्लास हो, हमारा जो अनुभव रहा है वो यही रहा है कि आप लोग कहते हैं कि सर शुरुआत करने में बहुत दिक्कत होती। भाई शुरुआत भी आपको करनी है और अंत भी आप ही को करनी है, बस कंटेंट को, प्रश्न को समझने का प्रयास करिए। खास करके अगर यूपीएससी के सवाल है तो निश्चित रूप से वो थोड़े से समझ की अपेक्षा तो करते ही करते हैं। तो आइए देखते हैं, मौर्य साम्राज्य पे फ्लुएंटली सवाल पूछा हुआ है और इसी साल का एक सवाल है, 2019 का है, कि व्याख्या कीजिए, ये यूपीएससी 2019 का है ये, कि व्याख्या कीजिए कि अशोक ने किस प्रकार धर्म का प्रयोग अपने राजनीतिक अभ्युदय के लिए किया था। क्लियर है? कैसे लिखेंगे इस बात को? धम्म नीति में हमने जब आपको पृष्ठभूमि और परिप्रेक्ष्य बताए थे, उद्देश्य बताए थे, तो उसी संदर्भ में एक उद्देश्य आपको यह भी बताया था कि अशोक के उद्देश्यों में एक उद्देश्य यह था कि उसकी जो साम्राज्य है वो क्या रहे, वो भावनात्मक एकता उस पर स्थापित कर सके। क्लियर है? तो निश्चित रूप से उस धम्म की नीति के पृष्ठभूमि से सवाल, ये प्रश्न उठाया गया है। क्लियर है? लेकिन दो चीजों को आप ध्यान में रखिएगा कि राजनीतिक अभ्युदय के लिए किया ये प्रश्न पूछ रहा है, तो यह ध्यान देने की जरूरत है कि अशोक के समय तक मौर्य साम्राज्य का राजनीतिक अभ्युदय तो बहुत अच्छे ढंग से हो चुका था, है ना? राजनीतिक अभ्युदय तो हो ही चुका था। क्यों? क्योंकि मौर्य साम्राज्य की स्थापना हो चुकी थी, अखिल भारतीय मौर्य साम्राज्य की स्थापना थी। तो राजनीतिक अभ्युदय के लिए शब्द कहना थोड़ा सा टिपिकल जरूर लगता है, लेकिन हाँ इतना जरूर आप कह सकते हैं कि धम्म की नीति से जो मौर्य साम्राज्य के लिए जो राजनीतिक अपेक्षाएं थीं वो उसकी जरूर पूरी हुई। तो क्या क्या कंटेंट में इसका, जो अगर आपको आंसर लिखना है तो क्या कंटेंट होना चाहिए, अगर हम इसके उत्तर की बात करें तो क्या लिखेंगे? तो निश्चित रूप से अगर आप निष्पक्ष रूप से देखें तो किन किन बिंदुओं का समावेश होना चाहिए, एक ड्राफ्टिंग दिमाग में रहे। तो ये आप देखिए कि अशोक के समय तक मौर्य साम्राज्य एक आकार ले चुका था। इसमें कोई मौर्य साम्राज्य एक आकार ले चुका था, इसमें कोई संदेह नहीं होनी चाहिए। पहला पॉइंट। दूसरी बिंदु ये कि आपने देखा कि यह जो साम्राज्य था वो निश्चित रूप से आप ये कह सकते हैं कि रक्त एवं लौह की नीति के द्वारा बनाया गया था। रक्त एवं लौह की नीति के द्वारा बनाया गया, ब्लड एंड आयरन पॉलिसी के द्वारा बनाया गया था। और इसमें कहीं ना कहीं सेंध लग चुकी थी, क्योंकि बिंदुसार के समय में भी विद्रोह हुआ था, बिंदुसार के समय में भी तक्षशिला में विद्रोह हुआ आपने देखा, और कलिंग का भी युद्ध हुआ, बैटल ऑफ कलिंग हुआ, कलिंग का युद्ध हुआ 261 ईसा पूर्व में, और इसमें 1.5 लाख लोग मारे गए, 1 लाख लोग मारे गए, 1.5 लाख लोग विस्थापित हो गए, काफी मशक्कत करनी पड़ी थी, है ना? और इसी चीज पे यहीं से अशोक का यू टर्न होता है और उसने कलिंग के विजय के बाद धम्म नीति को, भेरी घोष की नीति को धम्म की नीति में परिवर्तित किया और एक ऐसी नीति ले आया जहां पर उस नीति को फॉलोअप करने के बाद तनाव की कहीं कोई गुंजाइश नहीं थी, है ना? तो निश्चित रूप से आप ये कह सकते हैं, पूरी तरह से तो नहीं लेकिन निश्चित रूप से धम्म की जो नीति थी, पॉलिसी थी, अगर उस नीति को फॉलोअप कर लिया जाता तो
तो मौर्य साम्राज्य में किसी भी प्रकार के तनाव की गुंजाइश नहीं थी और वह साम्राज्य सुरक्षित रह पाता। तो धम्म नीति को भेरी घोष की नीति का एक विकल्प मान लिया जाना, विकल्प माना गया और सफलतापूर्वक माना गया, क्योंकि कलिंग के बाद अशोक के समय में कोई भी विद्रोह की सूचना नहीं मिलती है। तो आप ये कह सकते हैं कि एक हद तक उसने इस राजनीतिक उद्देश्य की तो प्राप्ति की, लेकिन ये राजनीतिक अभ्युदय में सहायक रहा, ये बात कहना थोड़ा सा तार्किक नहीं लगता है। इसी कंटेंट को दो तीन बिंदुओं को लेकर के आपको सवाल लिखना है, मैक्सिमम 250 से 300 वर्ड लिख सकते हैं, इससे ज़्यादा आप लिख ही नहीं सकते हैं। तो कैसे शुरुआत करेंगे, आइए हम लोग चर्चा करते हैं, कुछ शुरुआती बिंदुओं की बात करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए कि आगे हम इसकी शुरुआत कैसे करेंगे, तो हम लिख सकते हैं कि अशोक के समय तक, अशोक के समय तक मौर्य साम्राज्य अखिल भारतीय स्तर पर, भारतीय स्तर पर स्थापित हो चुका था, स्थापित हो चुका था। चंद्रगुप्त मौर्य ने इसे रक्त एवं लौह की नीति पर, सैन्य नीति आप कह सकते हैं, कि रक्त एवं लौह की नीति पर निर्मित किया गया था, निर्मित किया था। तथा बिंदुसार के समय, इसे बनाए रखा गया था, यद्यपि बिंदुसार, बिंदुसार के समय में तक्षशिला में दो विद्रोह हुए, फिर भी नीतियों में निरंतरता रही, तो जाहिर सी बात है आप कह सकते हैं कि राजनीतिक अभ्युदय वाली बात तो यहाँ पे आपको नहीं ही दिखाई देती है। क्लियर है, ऑलरेडी अशोक के समय तक राजनीतिक अभ्युदय मौर्य साम्राज्य का हो चुका था। पैरा चेंज करते हैं, अशोक के काल में, अब आप यहाँ से लिख सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं, लेकिन चलिए कुछ और भी बातें हम लिखवा दें कि अशोक के काल में कलिंग युद्ध, कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व में हुआ, जिसकी सूचना
13वें शिलालेख से, जिसकी सूचना 13वें शिलालेख से मिलती है, यह भयावह युद्ध था जिसमें जिसमें 100,000 लोग मारे गए एवं 1.5 लाख विस्थापित हुए। तो आप समझ सकते हैं इस युद्ध के पश्चात अशोक ने इस युद्ध के पश्चात अशोक ने धम्म नीति की जगह पर, भेरी घोष की नीति की जगह पर भेरी घोष की नीति की जगह पर धम्म नीति लागू किया। अब यहां धम्म नीति के तत्व नहीं लिख सकते, उसका इंटरप्रिटेशन, प्रमुख प्रमुख विशेषताएं लिख सकते हैं कि धम्म नीति एक नैतिक आचार संहिता की तरह से थी, एक नैतिक आचार संहिता की तरह से थी जिसमें जिसमें चाहो तो सीधे लिख दो अपासिन्वे, एग्जामिनर समझ जाएगा, अपासिन्वे बहुकायने दया दाने सचे सोचे साधवे माधवे च, की अपेक्षा थी। अब आपको समझाना हमको थोड़ी है, आप एग्जामिनर को नहीं समझा रहे हैं, वो समझ गया कि क्या क्या अपेक्षा थी। प्राणियों की हिंसा न करना, हिंसा न करना, माता पिता वृद्ध गुरु आचार्य की सेवा करना, दासों श्रमणों के साथ उचित व्यवहार करना, उचित व्यवहार करना अपेक्षित था। अब हम आपको बता रहे हैं, आप यहां से डेवलप कर लीजिएगा कैसे लिखेंगे। श्योर, लगभग आपने देखा कितना लिख लिया, 70-80 शब्द यहां, 50-60 शब्द यहां हो गया, 70-80 शब्द यहां, 130, तो लगभग 100-150 शब्द आपने लिख दिया धम्म नीति। अब यहां से हम लिखेंगे चाहे पैरा चेंज कर रहे हैं, कि यदि सूक्ष्मता से देखा जाए
तो धम्म नीति की अपेक्षाओं से मौर्य साम्राज्य की जो राजनीतिक आवश्यकताएं थीं वह पूरी होती थी। धम्म नीति के अनुपालन से सामाजिक और धार्मिक तनाव की आशंका नहीं थी। यह इसलिए भी उल्लेखनीय यह इस संदर्भ में भी ध्यान देने योग्य है कि छठी शताब्दी ईसा पूर्व से विभिन्न धार्मिक संप्रदाय क्या कर रहे थे कि परस्पर प्रतिस्पर्धी थे और उनके बीच का तनाव कई बार राज्य के लिए समस्या का कारण बनता था। तो ऐसी स्थिति में धम्म की नीति इन समस्याओं का समाधान थी, है ना। यद्यपि धम्म की नीति का पालन किया गया, फिर भी न तो मृत्युदंड को समाप्त किया गया और न तो सैनिक शक्ति को समाप्त किया गया, है ना। और कुल मिला के आप ये कह सकते हैं कि अतः ऐसी स्थिति में यह माना जा सकता है कि अशोक के समय में धम्म की नीति का प्रयोग उसके राजनीतिक संदर्भ में भले किया गया हो, लेकिन यह उसके राजनीतिक अभ्युदय से संबंधित नहीं था। राजनीतिक अभ्युदय उसका पहले ही हो चुका था, है ना। और राजनीतिक अपेक्षाएं उसकी, राजनीतिक आवश्यकताएं जरूर पूरी हुई। क्लियर है? तो इस कंटेंट के हिसाब से आप जाकर के लास्ट में आंसर को लिखिएगा कि अशोक की जो धम्म नीति थी उसकी उसका जो मूल उद्देश्य ये नहीं था कि वो राजनीतिक उद्देश्य से लाया जाए, क्योंकि धम्म की नीति में कहीं ना कहीं एक सामाजिक और तत्कालीन परिवेश की, आप क्या कहते हैं कि जो सामाजिक तनाव थे उन तनावों की समस्याओं का प्रयास था, है ना। केवल राजनीति से प्रेरित होकर के ये बातें नहीं लाई गई थी। तो इस संदर्भ में उठा करके आपको आंसर लिख देना है, 250 से 300 वर्ड में आप आराम से लिख देंगे। क्लियर है? और देखिए ये चीज़ें वही हैं जो हमने आपको क्लास में डिस्कस किया है, उसी से आपको डेवलप करना है। आइए दूसरा सवाल देखते हैं। इस सवाल को देखिए, काफ़ी टेढ़ा है, 2018 में सवाल आया हुआ है। चीज़ों को समझिए तो बहुत आसान है और नहीं तो फिर बहुत कठिन है। वर्ड पे ध्यान देने की ज़रूरत है, शब्दों पे, कि क्या आप इस लोक प्रचलित मत से सहमत हैं कि मौर्यों ने यदि मौर्यों ने एकात्मक राजतंत्र नहीं तो भी एकात्मक और अत्यधिक केंद्रित राज्य प्रणाली की स्थापना की थी। आप देखिए जो मौर्य प्रशासन का जो स्वरूप है उस स्वरूप पे ये सवाल पूछा हुआ है, है ना। यानी यदि अगर मौर्यों ने एक जैसा ढांचा नहीं किया, है ना, तो भी फिर भी एकात्मक और अत्यधिक केंद्रित राज्य की प्रणाली तो की ही है। क्लियर है? तो इसका कॉन्सेप्ट आपको क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे इस बात को, तो आइए हम कंटेंट को समझते हैं कि क्या इसमें कंटेंट ध्यान में रखना चाहिए। देखिए इसमें तो कोई दो राय नहीं, जो आप कंटेंट जो बिंदु रखेंगे इसमें मूल तत्व रखेंगे, क्या रखेंगे, पहली बात तो यही रखेंगे कि जो मौर्य साम्राज्य का विस्तार हुआ, मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई, इसमें कई परंपराएं शामिल थीं। जाहिर सी बात है, तो क्षेत्रीय विविधताएं स्वाभाविक था, इसमें क्षेत्रीय विविधताएं अपेक्षित था, विविधताएं स्वाभाविक था। क्लियर है? जबकि मौर्यों का जो जोर था, जो मौर्यों का जो प्रशासन था वो क्या था, अगर आप कौटिल्य और मेघस्थनीच और अशोक के अभिलेख तीनों को अगर आप देखिए, तो इस मौर्य के प्रशासन का जो उद्देश्य था वो था केंद्रीयकृत शासन की स्थापना करना, सेंट्रलाइज्ड स्टेट की, केंद्रीकृत शासन की स्थापना करना। क्लियर है? तो मेन मोटिव यही था और यही वजह है कि उन लोगों ने केंद्र में मंत्रिपरिषद के अधिकारियों से लेकर के ग्राम के स्तर तक के अधिकारियों को राजा प्रत्यक्षतः नियुक्त करता था। आपको पता होगा ग्राम संग्रहण खरवाटी, हमने बताया था स्थानिक द्रोणमुख, प्रत्येक स्थल पर यह रखता था। यानी उनका जो जोर था वो क्या था कि एक ऐसा कॉन्क्रीट ढांचा बनाया जाए कि मौर्य जो प्रशासन है वो क्या रहे, एक ठोस प्रशासन के रूप में दिखाई दे, एकात्मक यूनिटरी शासन के उसमें दिखाई दे। किंतु वास्तव में व्यवहार में ऐसा संभव नहीं था। हमने आपको फुसमैन और बेंगाउर लेविन की बात बताया था
क्योंकि भौगोलिक दूरी की वजह से उन्हें क्या रखना पड़ा कि बाह के केंद्रों को भी मजबूत करना पड़ा। और जब मान लीजिए तक्षशिला और सौराष्ट्र जैसे बाहरी क्षेत्रों को मजबूत करना है, ये वो क्षेत्र थे जहाँ पर लगातार आक्रमण होते रहे थे, तो उन्हें मजबूत करने का मतलब है कि उन्हें लगभग स्वायत्तता प्रशासनिक निर्णय में भी दी गई, क्लियर है। और फिर सांस्कृतिक परंपराओं को भी निभाना था, तो सांस्कृतिक परंपराओं में क्षेत्रीय परंपराओं को शामिल करने का प्रयास किया गया। जैसे आप अशोक के अभिलेख उठा करके देख लीजिए, खरोष्ठी में है, ग्रीक में है, आर्माइक में है। तो अगर ये एकास्मक ढांचे के अंदर ही रहते तो अलग अलग क्षेत्रीय लिपियों के प्रयोग न किए जाते, है ना। तो इन संस्कृतियों को शामिल करने का एकमात्र कारण यही था कि उनकी क्षेत्रीयता को बनाए रखा जाए या उन्हें संतुष्ट रखा जाए, क्लियर है। और इसी आधार पर फिर जो स्वरूप का आया प्रशासन का, वो ये आया कि जो कोर सेक्टर का जो पार्ट था, जो पाटलिपुत्र के आसपास, इसको मेट्रोपॉलिटन स्टेट भी कहा जाता है, तो जो कोर सेक्टर या मेट्रोपॉलिटन स्टेट था वो टॉप लेवल का सेंट्रलाइज था। उसके बाद जो क्रिसेंट्रल एरिया था वो क्या था, उसमें सेंट्रलाइजेशन थोड़ा कम था। और अंतिम स्तर पर अगर आपने देखें तो वो क्या था कि लगभग स्वायत्त था। लेकिन इस पूरे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम का जो जोर था वो किस पे था, एक केंद्रीकृत, अत्यधिक केंद्रीकृत राज्य प्रणाली, यानी जितना सक्षम हो सके उस लेवल तक हम सेंट्रलाइजेशन को क्या करें, स्थापित कर सके। तो बात समझ में आ गई, क्लियर है। तो कैसे आपने एक मौर्य प्रशासन के स्वरूप पे किस तरह से ट्विस्ट करके, रोटेट करके ये सवाल पूछा गया आपको, तो कंटेंट लिख ले जाएंगे। एक बार फिर से ध्यान में रखिए कि पहले राउंड में इस बात को बताना है कि किस तरह से मौर्यों ने एक तरह से अस्थाई राजतंत्र या केंद्रीकृत राजतंत्र करने की स्थापना करने का प्रयास किया कि मौर्य प्रशासन में प्रत्येक अधिकारी को डायरेक्टली राजा के प्रति उत्तरदायी बनाया गया, राजा सभी शक्तियों का प्रमुख था, पदानुक्रम लाया गया। ये सारी बातें लिखेंगे किसको, कि किस तरह से मौर्य प्रशासन को केंद्रीकृत बनाने का प्रयास किया गया, है ना। और फिर आप उसके बाद लिखेंगे कि किंतु इसके बावजूद कुछ भौगोलिक और सांस्कृतिक कारक ऐसे थे जिसकी वजह से उसमें विकेंद्रीकरण के तत्व दिखाई देने लगते हैं, क्लियर है। एक तो दूरी का बताएंगे, दूसरे सांस्कृतिक परंपराओं का बताएंगे, तीसरे जो है अभिलेखों के जो उसके संकेत हैं, साक्ष्य हैं कि किस तरह से सांस्कृतिक विविधताएं दिखाई देती हैं वो बताएंगे, और फिर आपको बताएंगे कि अल्टीमेटली जब हम फाइनली अगर देखेंगे तो रोमिला थापर का नाम लेना कोई जरूरी नहीं है कि रोमिला थापर ने इसे रिविजिटेड में ही लिखा, लेकिन आप बताएंगे उस तीन सेक्टर में बांट करके लिख देंगे और फिर लास्ट में निष्कर्ष लिखेंगे। तो अब हम उम्मीद कर सकते हैं कि इस प्रश्न को आप लोग आसानी से कर लेंगे, क्लियर है। चलिए फिर भी एक स्ट्रक्चर बना देता हूं कि जो इसका प्रथम चरण है, फर्स्ट फेज है, इस आंसर में आप दिखाएंगे केंद्रीकरण के तत्व, केंद्रीकरण के तत्व दिखाई देंगे। और केंद्रीकरण के तत्व में आप दिखाएंगे राजा का शक्तिशाली होना, प्रत्येक पद पर अधिकारियों की नियुक्ति करना, दूसरा चीज, तीसरी भी बात अधिकारियों का पदानुक्रम, अधिकारियों का पदानुक्रम, कठोर दंड व्यवस्था, राज्य के समस्त संसाधनों पर अधिकार, इस सब को आप लोगों को लपेटना है कितने में, 75 से 80 शब्द में, यानी। और आप ये बताएंगे स्रोत में, आप वही लिखेंगे कौन, कौटिल्य के अर्थशास्त्र, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, मेगस्थनीस की इंडिका, इनसे ये पता चलता है कि किस तरह केंद्रीकरण की बात की गई थी, क्लियर है। पैरा चेंज करके फिर दूसरा फेज लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि परंतु कुछ ऐसे कारक थे
जिससे विकेंद्रीकरण के संकेत मिलते हैं। आइए देखते हैं। पहली बात तो आप बात करेंगे भौगोलिक दूरी का, कि भौगोलिक दूरी के कारण उस तरह का केंद्रीकरण स्थापित ही नहीं किया जा सकता है। दूसरी तरह की बात करें, सांस्कृतिक परंपराएं थीं, और आप बताइएगा कि इसी सांस्कृतिक परंपराओं के चलते ही जो क्षेत्रीय लिपियां थीं या क्षेत्रीय लिपियों में अभिलेख लागू किया गया, क्षेत्रीय लिपियों में लेख डाला गया, यानी खरोष्ठी लिपि उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में इसलिए लाया गया क्योंकि वहां के लोग खरोष्ठी लिपि से क्या थे, परिचित थे, है ना। और तीसरी बात, दूसरी, यानी ये दो ऐसे कारक आप देखेंगे जिसकी वजह से आप ये कह सकते हैं कि क्षेत्रीयता इसमें दिखाई देती है ना। और फिर आप लिखेंगे कि निष्कर्षता ऐसा लगता है ना। रोमिला थापर का नाम ले लीजिए, कोई ऐसा नहीं है, कसम नहीं खाए हैं कि नहीं लिखेंगे। आप ये लिख सकते हैं कि अंत जो रोमिला थापर ने इस बात को बताया कि वास्तव में मौर्य प्रशासन के 3 सेक्शन थे। फिगर बना करके बता देना, वहाँ तो हमने बताया ही है जो लेक्चर्स लिए हैं, कि जो मेट्रोपॉलिटन एरिया था, यानी जो कोर एरिया था पाटलिपुत्र के आसपास, वहाँ पे टॉप लेवल का सेंट्रलाइजेशन था, दूसरा लेवल क्रिसेंट्रल एरिया था, अर्धवृत्ताकार एरिया, यहाँ पे सेंट्रलाइजेशन अपेक्षाकृत कम था, और एक आउटर एरिया था जहाँ पे तक्षशिला और सौराष्ट्र थे, वहाँ पे लगभग स्वायत्तता थी, स्वायत्त राष्ट्र था। अब आप देखिए, लगभग आप इसको भी 80 से 85 वर्ड लिखेंगे तो लगभग 170 हो जाएगा, इसको लगभग आप 70 से 75 शब्द लिखेंगे 240 हो जाएगा, और फिर लास्ट में ये निष्कर्ष लिखेंगे कि इस प्रकार ऐसा कहा जा सकता है कि मौर्यों ने भले ही केंद्रीकरण ढांचा न बनाया हो लेकिन पर्याप्त स्तर पर वहाँ पे केंद्रीकरण के तत्व थे और उनका जो मुख्य जोर था वो केंद्रीकरण पर था। तो पूरे प्रशासन को ये भाषा दे देना है। कुल मिलाकर के भाषा को समझने की ज़रूरत है, अदरवाइज आपको लग रहा होगा कि सर जो आपने पिछला लेक्चर दिया था, पिछला जो क्लास दिया था, उस क्लास को अगर आप देख लिया जाए तो इस सवाल को बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। तो आइए कुछ और एक दो सवालों को देखते हैं। जैसे अशोक के धम्म की संकल्पना, जैसा कि उसके अभिलेखों के माध्यम से पता चलती है कि जड़ें वैदिकी उपनिषदी साहित्य में थीं। अब हमने तो आपको केवल मौर्य साम्राज्य ही बताया, इसने कोरिलेट कर लिया किससे, इससे कोरिलेट कर लिया वैदिक साहित्य से, यानी कम से कम आपको वैदिक लिटरेचर के बारे में पता होना चाहिए। और जब हम बातों को पढ़ाते हैं, खास करके आप जीएस के बैच में भी आप देखेंगे या ऑफलाइन बैचेज में, जल जो लड़के हमको कहीं भी पढ़े होंगे या देखे होंगे, ग्वालियर में, जयपुर में, आगरा में, है ना, कहीं भी देखे होंगे, इलाहाबाद में, दिल्ली में, अगर उन लोगों ने देखा होगा इन लोगों को, तो ये ज़रूर जानते होंगे कि हम हमेशा कहते हैं कि जब भी हिस्ट्री को पढ़िए तो हमेशा क्या करिए, पहली बात तो एक बात चर्चा करते हैं कि हिस्ट्री इज फंक्शन ऑफ इकोनॉमी, पॉलिटिकल, कल्चरल, सोशल, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और सामाजिक पहलुओं का क्या है, ये एक फंक्शन है। यानी इतिहास को पढ़ने का मतलब ये है कि उसके आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक पहलुओं को पढ़ा जाए, नंबर एक। और दूसरी बात बताते हैं कि जब हम समझ को डेवलप करते हैं तो हमेशा इस बात की करते हैं, चेंज एंड कॉन्टिन्यूटी, कॉन्टिन्यूटी यानी परिवर्तन और निरंतरता, निरंतरता एवं परिवर्तन, हिंदी में तो हम लोग ऐसे ही लिखते हैं, उसमें चेंज एंड कॉन्टिन्यूटी लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, निरंतरता और परिवर्तन। हम ये हमेशा देखते हैं कि एक युग से दूसरे युग में जाने में, चाहे वो वैदिक युग हो, चाहे पाषाण से सिंधु हो, चाहे सिंधु से वैदिक हो, वैदिक से मौर्य हो, मौर्य से गुप्त हो, हम एक युग से दूसरे युग में कभी भी जाएंगे तो इस बात को जरूर ध्यान में रखेंगे कि आर्थिक, राजनीतिक,
सांस्कृतिक और सामाजिक पहलुओं में क्या चीजें निरंतरता में हैं और क्या चीजें परिवर्तन में हैं। क्लियर है? तो अब वो किसी भी युग से टच कराए तो उस प्रश्न का आप उत्तर दे सकते हैं। जैसे इस सवाल में ही है कि अशोक के धम्म की संकल्पना जैसा कि उसके अभिलेखों के माध्यम से पता चलती है वैद की उपनिषद साहित्य में थे। यानी आपको ये देखना होगा कि वैद की उपनिषद साहित्य में ऐसे कौन कौन से तत्व थे जो आपको यहां दिखाई देगा। आपको बताएं, अगर आप देखोगे ना, एक बात और भी बताएं, जितना ही औपनिषदिक चिंतन आपका होगा, पता होगा आपको औपनिवेशिक जो चिंतन है उसके बारे में पता होगा, तो आप देखोगे कि न केवल इंडिया बल्कि बाहर की भी जितनी भी फिलोसफी या मेटाफिजिक्स की बातें आपको दिखाई देंगी वो अमूर्त रूप से नॉन टेंजेबल फॉर्म में आपको दिखाई दे जाएंगी उपनिषदों में। उपनिषद सभी दर्शन का एक तरह से मूल स्रोत हैं, चाहे वो क्या कहते हैं कि सात्विक हो या आप ये कह सकते हैं कि जो नॉन वैदिक हैं उनके भी कई सिद्धांत आपको उपनिषदों में मिल जाएंगे। और इसीलिए भारतीय चिंतन परंपरा में उपनिषदों को बहुत ही क्या कहते हैं कि उच्च स्थान मिला है। तो फिलहाल यहाँ हमने आपको नहीं बताया है, लेकिन मोटे तौर पे आप ये कह सकते हैं कि जो जो उपनिषद में क्या मिलता है, आप देखिए, पहली बात तो अहिंसा की बात, वैदिक अहिंसा की बात उपनिषदों में मिला, उपनिषदों में मिला। उसी ने बोलते हैं यज्ञ जर्जर नौका के समान है। जो आप यज्ञ में हिंसा करते हैं उसका सबसे पहले विरोध किया किसने? उपनिषदों ने। लेकिन उपनिषदों और बौद्ध धर्म और नास्तिक धर्मों में एक मौलिक अंतर यह था कि उपनिषद अहिंसा का विरोध करते थे लेकिन वेदों का विरोध नहीं करते थे, और जो नास्तिक लोग थे वो क्या करते थे, वो वेदों का भी विरोध करते थे। ये बेसिक डिफरेंस है। तो अहिंसा की बात इसने कहा है ना। दूसरी चीज, कर्म कांडों की आलोचना। आप देख लीजिए कि उपनिषदों में कर्म कांडों की आलोचना जो है, अगर अशोक के धम्म की बात करेंगे तो वो कर्म कांडों की बात ही नहीं करता है। इसका धम्म कर्मकांड विहीन है, इसको माना ही नहीं जाता है, है ना। तो पशुओं की हिंसा ना करना, ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। माता पिता गुरु, माता पिता गुरु, इनकी सेवा करना, तो औपनिवेशिक साहित्य का संस्कार का क्या है, एक पार्ट ही रहा है, तो ये भी आपको मिल जाएगा, है ना। सबका कल्याण, सर्वे भवन्ति सुखिनः, सर्वे संत निरामया, ये उपनिषदों की ही बात कही गई है ना। सत्य की बात तो हमेशा आपको यहाँ मिल जाएगा, सत्यमेव जयते। यानी कुल मिलाकर के आप ये कह सकते हैं कि उपनिषदों की ये सारी बातें जो थीं अमूर्त रूप में आपको दिखाई देती हैं, वो ऐसा कहीं नहीं मिला अशोक के अभिलेखों में भी कि उन्होंने फला चीज हमने इस उपनिषद से नहीं ली, ये कहीं नहीं मिलता है। लेकिन फिर भी जो उपनिषदिक जो कंटेंट हैं और जो अशोक के धम्म की नीति के कंटेंट हैं वो क्या हैं कि आप उसमें साम्यता देख सकते हैं, एक एथिकल कोड के रूप में दिखाई दे सकता है। तो अशोक के धम्म की संकल्पना है ना, अभिलेखों उसकी वैदिकी उपनिषदिक साहित्य में थी, तो आप निश्चित कह सकते हैं कि उपनिषदों की जो ये बातें हैं वो क्या हैं कि वो अशोक के धम्म में दिखाई देती हैं। ये बातें तो आप लिख लेंगे, लेकिन यहां से आंसर शुरू नहीं होगा। क्लियर है? यह खत्म नहीं होगा। यानी आप ये जरूर बात कहेंगे कि उपनिषदों में इन इन तत्वों की चर्चा अगर हम देखें तो मोटे तौर पर अशोक के धम्म की नीति के अभिलेखों में भी मिलते हैं, किंतु यह उल्लेखनीय है कि अशोक स्वयं बौद्ध धर्म का अनुयायी था, है ना। वैदिक परंपरा, हालांकि वो ब्राह्मण धर्म से संबंधित था, लेकिन कहीं भी उसके मोटिवेशन का जो सोर्स है वो वैदिक साहित्य नहीं मिलता है या उपनिषद नहीं मिलता है कहीं भी उसने। बल्कि एक उसमें भाब्रू और बैराट, जो भाब्रू बैराट का लघु शिलालेख है, उसमें तो फिलहाल उसने एक शब्द यूज किया है संघ उपेते, और साथ ही साथ कुछ बौद्ध पुस्तकों की भी क्या कहते हैं कि सूचना दिया है कि ये पढ़ना चाहिए। तो कम से कम बौद्ध साहित्य उसके प्रेरणा के स्रोत हैं, ना कि औपनिषदिक साहित्य प्रेरणा के स्रोत हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट रूप में है ना, या निरपे क्या कहते हैं कि वैचारिक रूप से
औपनिषदिक तत्व भले ही अशोक के धम्म की नीति में मिलते हों, लेकिन अशोक की धम्म नीति का जो तत्व है कुछ हद तक बौद्ध साहित्य और कुछ हद तक जो तत्कालीन जो परिवेश था, है ना, जो सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य था, उस परिप्रेक्ष्य से ही वो क्या थे, मोटिवेटेड थे, इस रूप में इस फॉर्मेट को लिखना है। तो आसान सवाल है। अब देखो यूपीएससी में 17 में 18 में 19 में लगातार फ्लुएंटली पूछ रहा है और सब उसी बिंदु पे पूछ रहा है कि जो हमने क्लास में डिस्कस किया, लगभग लेस आर मोर उसी पे है। बस अर्थे कोर ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको अलग लग सकता है, क्यों, क्योंकि उपनिषद वाला सेक्शन हमने आपको तो क्लास में पढ़ाया नहीं है। तो ये रहा आपका तीसरा। नेक्स्ट एक क्वेश्चन चलिए कम से कम और देख लेते हैं, है ना, आसान सा सवाल है, इसको तो हमको लगता नहीं है कि बताने की भी जरूरत है, लेकिन फिर भी हम समझ लें क्योंकि इसी पे तो हमारे धम्म की नीति का जो लेक्चर था, जो भी पिछला, है ना, पिछला या इसके पिछला जो भी हो देख लीजिएगा, जो लेक्चर नंबर 3 या 4 में आप धम्म नीति देखोगे तो जैसे लग रहा है इसी नीति का हमने जवाब ही दे दिया है। क्या कह रहा है कि अशोक के धम्म के स्वरूप के विषय में इतिहासकारों अशोक के धम्म के स्वरूप के विषय में इतिहासकारों के विभिन्न व्याख्याओं का विवेचन करिए, क्या उसके धम्म विजय के सिद्धांत को मौर्य साम्राज्य के सैनिक दृष्टि से दुर्बल बना दिया था। खूब जवाब दे चुके हैं, है ना, यहीं से शुरुआत कर देना है कि अशोक के धम्म के संदर्भ में इतिहासकारों में विभिन्न मत उभर करके सामने आए हैं। नाम याद रहे तो ठीक, न याद रहे तो भी कोई बात नहीं, जैसे राजधर्म, बौद्ध धर्म, उपासक बौद्ध धर्म, सभी धर्मों की साझी संपत्ति, क्लियर है, और उसके बाद फिर ले आना है नैतिक आचार संहिता की तरफ, उसको मोड़ देना है। तो विभिन्न व्याख्याओं का विवेचना कर दिए आप, जितने पार्ट बताया सब पे 50-50 वर्ड लिख दो, 250 वर्ड तो ऑलरेडी हो जाएगा ये, क्लियर है, राइट। अब आप देखना है कि धम्म विजय के सिद्धांत ने मौर्य साम्राज्य को सैनिक दृष्टि से दुर्बल बना दिया। दो परिप्रेक्ष्य हैं, दोनों हमने आपको बता दिया कि वास्तव में धम्म नीति ने क्या किया था, भेरी घोष की नीति को पृष्ठभूमि में ढकेल दिया, और जब धम्म नीति प्राथमिकता में आई तो जाहिर सी बात है सैनिकों का जो अभ्यास तत्व होता है, है ना, सैनिकों जब आप सैनिक उसका प्रयोग नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है क्या होगा कि सेना थोड़ी सी कमजोर या नकारात्मक इम्पैक्ट तो पड़ेगा, लेकिन कहीं भी हमें अशोक के समय में सेना में कहीं कोई कमजोरी नहीं दिखाई देती, सेना की संख्या में कमी नहीं किया गया, क्लियर है, ना कहीं विद्रोह हुए, ना कोई ऐसा भाग है जो क्या कहते हैं मौर्य साम्राज्य से बाहर रहा। तो ये कहना कठिन है कि अशोक की धम्म नीति ने सैनिक नीति पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाला हो, ऐसा कहना थोड़ा सा आसान नहीं लगता, ठीक है। तो प्राथमिकता बदलने से थोड़ी सी विपरीत प्रभाव भले पड़ा हो, लेकिन क्या कहते हैं कि ऐसा नहीं कहा जा सकता कि सेना की शक्ति कम हुई हो। तो क्लियर है, ये तो बहुत ही आसान सा सवाल है, फ्लैट सवाल है, और इसे आप लिख सकते हैं। ये भी देखिए सिविल 2014 में आया है। सब हमने यूपीएससी के सवाल रखे हैं, और जब यूपीपीसीएस के सवाल देखोगे ना तो यूपीपीसीएस के सवाल या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के जो सवाल हैं वो इससे आसानी है, इससे कठिन नहीं है। फिलहाल एक और सवाल देखते हैं, ये तो यूपीपीसीएस का सवाल लग रहा है, लेकिन अच्छा सवाल है, इस पर चर्चा करना जरूर चाहूँगा। संत तो ध्यान नहीं आ रहा, आप लोग देख लीजिएगा, है यूपीपीसीएस का, इतना डेफिनेट है कि क्या अशोक के अभिलेख आत्मकथात्मक थे? वेयर द रॉक एडिक्ट ऑफ लॉर्ड अशोक वॉज ऑटोबायोग्राफिकल, वेयर द रॉक एडिक्ट ऑफ अशोक वॉज ऑटोबायोग्राफिकल, ऑटोबायोग्राफिकल तो आत्मकथात्मक का क्या मतलब होता है? आत्मकथा, व्हाट इज ऑटोबायोग्राफी? ऑटोबायोग्राफी ये होती है कि एक व्यक्ति या एक शासक, एक तो सामान्य व्यक्ति की भी आत्मकथा हो सकती है, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन कौन पढ़ेगा? लेकिन अगर कोई बड़ा व्यक्ति है, कोई प्रशासक पे है, या सामान्य व्यक्ति बहुत बड़ा हुआ और वो अपनी आत्मकथा, आत्मकथा पढ़ने का मतलब सिर्फ इसलिए होता है कि उसे पढ़ने के बाद लोग मोटिवेटेड हो सकें, लोग प्रेरित हो सकें, इसलिए आत्मकथा लिखी जा सकती है, है ना। एक बेहद सामान्य व्यक्ति अपनी आत्मकथा लिखे जो उच्च स्तर पे हुआ तो लोगों को मोटिवेट कर सकता है ना।
तो निश्चित रूप से अब जैसे भाई मान लीजिए आप ही लोग हैं, कोई किसान का लड़का है और वो यूपीएससी सेलेक्ट टॉप करता है और वो अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखता है कि संघर्ष के दिनों में उसने कैसे किया क्या किया, तो वो डेफिनेटली है लोग मोटिवेटेड होंगे और लोग उसको खरीदेंगे। तो ऐसा होता भी है। फिलहाल हम बात करें आत्मकथात्मक की, तो निश्चित रूप से हम अशोक के अभिलेखों को आत्मकथात्मक कहेंगे, क्योंकि जो उसने तत्कालीन समय में देखा है ना, जैसे उत्तराधिकार का युद्ध देखा, छठी शताब्दी ईसा पूर्व से आने वाले तनावों को देखा, कलिंग का युद्ध देखा, तो इससे क्या हुआ, उसको लगा कि ये सामाजिक राजनीतिक और आर्थिक जो तनाव हैं वो लोगों की जिंदगी को प्रभावित कर रहे हैं और इसलिए एक ऐसा सिद्धांत देना चाहिए, एक ऐसा दिशा निर्देश देना चाहिए कि इन तनावों की कहीं कोई गुंजाइश ना हो। और उसी संदर्भ में उसने धम्म की नीति को प्रतिपादित किया। और फिर यहाँ से आप लिखिएगा कि धम्म की नीति के प्रमुख तत्व क्या क्या थे, अपसिन्वे बहुकायने दया दाने सचे सोचे साधवे माधवे, चाहिए तो आप एक लाइन में लिख सकते हैं क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, उन सारी बातों को लिखा। और आप कहेंगे कि इसके एक एक जो उद्देश्य हैं, एक एक जो बातें हैं, वो कहीं ना कहीं अनुभूत बातें हैं जिसको उन्होंने लिखा है। तो कुल मिला के आप ये कह सकते हैं कि सर अशोक का जो अभिलेख दिखाई देता है वो कहीं ना कहीं आत्मकथात्मक तो दिखाई ही देता है, ऑटोबायोग्राफिकल दिखाई देता है। श्योर, अब एक बात को ध्यान से रख लीजिए, बहुत अच्छे ढंग से समझिए। आत्मकथा वो इतिहास में अच्छी मानी जाती है जो अपनी बुराइयों को भी लिखे, जो अपनी सीमाओं को भी लिखे। जब भी आप बात करते हैं आत्मकथा में, आत्मकथा को बहुत अच्छा स्रोत नहीं माना जाता है, लेकिन जगर आत्म क्यों, क्योंकि आत्मकथा में कई बार आदमी आत्म प्रशंसा करता है, आलोचना के विषय को बात नहीं करता। और इतिहास का उद्देश्य क्या होता है, इतिहास का उद्देश्य होता है दूध का दूध पानी का पानी कर देना। अगर आप आत्मकथात्मक स्रोतों की बात करेंगे तो बाबरनामा इज द बेस्ट, बाबरनामा से बढ़िया कोई नहीं आपको मिलेगी। तो इसमें आत्मकथात्मक में एक कमी आपको दिखाई देती है, दो कमियां दिखाई देती हैं कि अशोक बड़ी बारीकी के साथ अपने जीवन से जुड़ी कमियों को क्या कर देता है, इग्नोर कर देता है, छुपा ले जाता है। जैसे आपको पहली कमी आपको बताऊं, पहली कमी तो यही है कि वो बताता ही नहीं है कि 273 ईस्वी में उसे राज्यारोहण हुआ और 269 ईस्वी को से उसका शासनकाल शुरू होता है, उसके अभिलेखों से ऐसी सूचना मिलती है। तो इन चार वर्षों में वो क्या करता रहा, तो पहली बात इन चार वर्षों में उत्तराधिकार संघर्ष की बात नहीं करता है, जबकि बौद्ध ग्रंथों में इसके संकेत आपको दिखाई देते हैं। दूसरी चीज, जिस कलिंग के युद्ध के संदर्भ में वो बात कहता है कि वह उसके जीवन को बदल दिया, क्या यह न्यायप्रिय नहीं था, क्या यह इतिहास की अपेक्षा नहीं थी कि कम से कम उसका नाम, अपने विरोधियों का नाम वो लिख दे कि पराजित राजा ये था। तो कहीं कुछ ना कुछ लूप होल दिखाई देती है, लेकिन इन सीमाओं के बावजूद हम ये मान सकते हैं कि अशोक ने अपने जीवन में जिन सामाजिक राजनीतिक आदर्शों को खुद महसूस किया उसे लिपियों के माध्यम से अभिलेखों में क्या कर दिया, अभिव्यक्त किया, और इसीलिए हम अशोक के अभिलेखों को आत्मकथात्मक मानते हैं। तो ये कुछ अशोक के, ये कुछ मौर्य साम्राज्य के सेलेक्टिव सवाल थे। उसके बाद आपको बताऊं ऐसे ऐसे भी सवाल थे, अब उसकी डिस्कस उसका डिस्कशन क्या करना कि चंद्रगुप्त मौर्य की उपलब्धियां बताइए, मौर्य प्रशासन में अध्यक्षों की भूमिका की चर्चा करिए। यूपीएससी में सवाल आया हुआ है कि मौर्य साम्राज्य में अशोक के क्या कहते हैं कि अध्यक्षों की चर्चा करिए, ऐसे सवाल है हमारे पास। अभी आपको बताऊं ये पेपर सामने रखा हुआ है, तो क्लियर है। तो कहने का मतलब है जैसे मौर्य प्रशासन में अध्यक्षों की भूमिका की चर्चा करिए, तो निश्चित रूप से आप कह सकते हैं कि ऐसे सवाल फैक्चुअल है, सीधे आप लिख सकते हैं अगर आप जानते हैं इन चीज़ों को, ठीक है। अध्यक्षों का मतलब ये कतई नहीं कि सारे 27 अध्यक्ष लिखेंगे तभी इसका आंसर मान लिया जाएगा, कहने का मतलब ये है कि उनके शासन के पद्धति की बात हो जाएगी। क्लियर है, तो आज की क्लास को अब इजाजत किया जाए। हाँ, एक बात जरूर आपको बता दूं कि किसी भी प्रकार का कोई संदेह दिमाग में नहीं रखिए। जो हमने आपको एक तरह से डेमो क्लासेस के रूप में या क्लासेस का मॉड्यूल के रूप में आपको दिया है, हो सकता है कि आप किसी पर्टिकुलर कोर्स से नाराज़ हों, मे भी, लेकिन दोनों पक्ष है, ऐसा नहीं है कि आप एक ही पक्ष की सारी बात सही ही है, ऐसा नहीं है। लेकिन लोग जानते हैं मुझे, चाहे ऑफलाइन में चाहे ऑनलाइन में,
जो हमने कमिटमेंट किया है उस कमिटमेंट के अनुसार क्लासेस चलेंगी, बताएंगे। लगभग आप ये मान सकते हैं कि 8 महीने के आसपास में ये कोर्स सिलेबस 100% कंप्लीट होगा, और इसी तरीके से होगा कि एक एक टॉपिक को एनालिसिस करना, एनालाइज करना, और एनालाइज करने के बाद क्लास के बाद उस पर चर्चा की, चर्चा करना प्रश्नों की। कभी कभी क्या होता है कि टॉपिक की प्रकृति के अनुसार मालूम हुआ कि 2 टॉपिक हमने एक साथ डिस्कस कर लिया, फिर प्रश्नों की चर्चा किया, क्लियर है। तो वो तो क्लास की सुविधा के अनुसार रहेगा। और हम इसमें जीएस की क्लासेज में तो ऐसा नहीं रहा, लेकिन ऑप्शनल की क्लासेज में जो अनुभव रहा वो आपसे इंटरकनेक्टिविटी का, तो हम ये वादा करते हैं कि कम से कम वीकली हम लोग क्या कहेंगे कि एक बार सभी लोग ऑनलाइन एक साथ जो है इंटरैक्टिव भी होने का प्रयास करेंगे, क्लियर है। तो खैर, आज की क्लास को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं, और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, थैंक यू कि इस वीडियो को देखा, समझा, राइट। और अपने कमेंट्स के द्वारा जरूर इस बात पे चर्चा करें, आप लोगों ने कम से कम इतिहास पे चर्चा बहुत ही कम की है कमेंट्स के माध्यम से, अन्य विषयों पे ज़्यादा चर्चा की है। तो इतिहास विषय पे चर्चा करें कि आपकी समझ कैसे विकसित हुई इस चैप्टर के प्रति, राइट। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।